हेलो एवरीवन, माय नेम इज शाहपुरी अश्विनी फ्रॉम यूनियन सिल्क पब्लिक स्कूल औरा शाहजनी। तो देखो बच्चों, आज हम हमारी कौन सी स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं, हमारी थर्ड स्टोरी स्टार्ट करने वाले। तो उसका नेम क्या है, द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। तो एक किसकी कहानी है, फ्रेंड्स मीन्स मित्र और बियर मीन्स भालू। तो इसमें हमें क्या देखना है, दो फ्रेंड्स और एक भालू, ये तीनों में की क्या है, एक स्टोरी है वो हमें देखनी है और उसमें से हमें नई सीख लेनी है। तो देखो बच्चों, आपको आपका पेज नंबर 15 ओपन करना है और ये स्टोरी हमें देखनी है। तो इसमें कुछ वर्ड्स है जो मैं आपको पहले बोर्ड पे देती हूँ, वो लिख के लो, उसके बाद हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो हमें लिखना है फर्स्ट वर्ड इसमें से मेरी, यम ई, यम ई डबल आर आई आनंदी। टू नंबर सेकेंड वर्ड लिखना है इसमें फॉरेस्ट, ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट। थर्ड लिखना है नेक्स्ट वर्ड, फॉरेस्ट मीन्स जंगल होता है, एपियर ए डबल पी ई ए आर ई डी, ए डबल पी ई ए आर ई डी एपियर मीन्स दिखाई देना, ए डबल पी ई ए आर ए डी एफ ए मीन्स दिखाई देना। नेक्स्ट लिखना है क्विकली, क्विकली मीन्स जल्दी से, क्यू यू आई सी के एल वाई। क्या है क्विकली की स्पेलिंग, क्यू यू आई सी के एल वाई, क्विकली मीन्स जल्दी से। फिफ्थ नंबर नेक्स्ट वर्ड लिखना है हमें आगे, क्लिम्ड सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइम्ब सी एल आई एम बी ई डी, क्लाइम्ब मीन्स चढ़ जाना, चढ़ गया, चढ़ना मीन्स क्लाइम्ब। नेक्स्ट देखना है ऑलरेडी, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही, ए एल आर ई ए डी वाई ऑलरेडी। क्या लिखना है, तो देखो आगे लिखना है सिक्स नंबर का वर्ड जो लिखना है हमें, लिखो आप भी स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। जो हम बोलते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग है ऐसा बोलते हैं ना, तो स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत। ब्रीथ बी आर ई ए टी एच ब्रीथ, नेक्स्ट वर्ड है ब्रीथ बी आर ई ए टी एच ब्रीथ। इसके बाद लिखना है एट नंबर का वर्ड अटैक, एट नंबर ए डबल टी ए सी के, ए डबल टी ए सी के अटैक। नाइन नंबर का वर्ड लिखो आगे। देखो बच्चों, ये जो वर्ड्स मैं आपको दे रही हूँ, क्योंकि इससे आपको क्या होगा, तो जब ये हम ये वर्ड जब ऐड करेंगे तो इसका मीनिंग समझ में आएगा, तो हमें ये क्या होती है, पूरा स्टोरी समझ में आती है और उसके ऊपर जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उससे हमें वो लिखने के लिए क्या होता है, हेल्प होती है। इसलिए आपको जो वर्ड्स देती हूँ मैं डेली, उसको आपको अच्छे से बाहर करना है, उसका मीनिंग बाहर रखना है। ओके, आगे देखना है एस्केप्स, एट नंबर ई ए ई एस सी ए पी ई एस, ई एस सी ए पी एस एस्केप्स मीन्स पलायन, भाग जाना। इसके बाद लिखना है रियलाइज, टेन नंबर लास्ट वर्ड जो है मैं दे रही हूँ आपको, रियलाइज आर ई ए एल आर ई ए एल आई एस ई डी रियलाइज, रियलाइज में जानी होना। हम बोलते हैं आज मुझे ये रियलाइज हुआ, ऐसे बोलते हैं ना हम बात करते समय। तो देखो जो मैंने आपको ये 10 वर्ड्स दिए हैं, आपको भी इसको क्या करना है, अच्छे से बैठ करना है। तो देखो बच्चों, हम ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टू फ्रेंड्स रामू एंड भोलू टॉक एंड संग मेरली इज एज दे वॉक थ्रू द फॉरेस्ट। जो कि टू फ्रेंड्स थे, उनके नेम क्या थे, एक का नाम था रामू और दूसरे का नाम था भोलू। देखो ये जो दो फ्रेंड्स है, तो
ये क्या क्या कर रहे थे? तो बातें करते हुए खुशी खुशी से एक जंगल से जा रहे थे। तो सडनली बियर अपीयर्ड फ्रॉम मू क्विकली क्लाइम अप द ट्री। तो अचानक क्या होता है? सडनली मींस अचानक। तो क्या होता है, एकदम उनके सामने कौन आता है, उसको उनको क्या दिखाई देता है? बियर दिखाई देता है। बियर मींस भालू। तो देखो जब वो उनके सामने आता है तो रामू क्या करता है, फास्ट से एक वहां पे जो उसके साइड में ट्री था उसके ऊपर चढ़ जाता है। लेकिन बट देखो आगे, भोलू वांटेड हेल्प बट हिज फ्रेंड हैड ऑलरेडी लेफ्ट हिम। जबकि रामू को ट्री के ऊपर चढ़ने को आता था, इसलिए क्या हुआ, रामू ऊपर चढ़ गया। लेकिन जो उसका दूसरा फ्रेंड था भोलू, उसको क्या हुआ, ट्री के ऊपर चढ़ने को नहीं आता था, तो उसको रामू की हेल्प चाहिए थी। लेकिन रामू ने ऐसे किया क्या, नहीं किया, वो खुद ही भाग के ट्री के ऊपर चला गया। तो देखो आगे, he was very scared because the bear was big and strong and could easily kill him। तब क्या लगता, तो देखो उन्हों क्या क्या होता है भोलू को, अब लगता है ये तो बहुत बड़ा है भालू, पर वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, S-T-R-O-N-G, strong, ये तो बहुत भारी है और big means बड़ा है, अब ये तो मुझे easily मार सकता है। ऐसे किसको लगता है, भोलू को लगता है, क्योंकि उसने ट्री पर नहीं चढ़ा था वो। He thought hard when the bear came near, पर तब क्या होता है, जब bear उसके पास पास आने लगता है तो भोलू को बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि ये बियर तो बहुत बड़ा है, अब मैं इसको ऐसे सामने दिखाई दिया तो ये क्या करेगा, मुझे इजीली मार देगा, इसलिए वो डरता है। लेकिन देखो, he lay very still on the ground and control his breath। तभी उसको दिमाग में आता है कि भोलू क्या करता है, मरे हुए इंसान को कभी नहीं खाता है, और उसको वो हाथ भी नहीं लगाता, मारता भी नहीं, ऐसा उसको उसके गुरु ने जब सिखाया था उसको याद आता है। और वो क्या करता है, जैसे ही वो बियर उसके पास आया तभी वो ग्राउंड के ऊपर सो जाता है। और कैसे सोता है, तो उसकी जो ब्रीथ, B-R-E-A-T-H, ब्रीथ मीन सांस, तो उसका सांस जो क्या करता है, वो कंट्रोल करके रखता है, क्योंकि जब बियर उसके सामने अगर भी आया और उसने उसको सूंघा तो क्या होगा, उसको क्या लगेगा कि ये तो ऑलरेडी मर गया है, फिर ऐसा सोच के भोलू उसको नहीं खाएगा, ऐसा सोच के वो क्या करता है, ग्राउंड पर सोता है। तो द बियर कम क्लोज टू हिम एंड स्निफ एंड स्मेल हिज बॉडी ऑल ओवर। तभी क्या करता है, देखो यहाँ पे ये कैसे ग्राउंड पे सोया है भोलू, और रामू ट्री के ऊपर बैठा है, और क्या होता है, बियर उसके पास आया जब भी ये सो गया है, तो देखो इसके एकदम पास जाके वो क्या करता है, उसको स्मेल लेता है, उसको सूंघता है, तब उसको क्या दिखाई देता है, तो बियर वॉक अवे थिंकिंग दैट द मैन वॉज डेड। तब क्या लगता है, देखो भोलू को कि ये सॉरी बियर को क्या लगता है, ये तो मर गया है, तो राम मर गया है बोल के वो क्या होता है, वहां से वो अवे मीन्स निकल जाता है वो वहां से, क्योंकि बियर भालू क्या करता है, मरे हुए लोगों को नहीं खाता है। तो रामू देन कम डाउन फ्रॉम द ट्री। तो ये सब कौन देखता है, ऊपर से रामू देखता है, बियर भोलू के पास चला गया, उसको उसका स्मेल लिया और उसको कुछ भी नहीं बोला, और बियर क्या हुआ, वहां से निकल गया। ये देख के क्या होता है, रामू ट्री के नीचे आता है और बोलता है, देखो ही आस्क, उसको बोलता है उठो उठो, अब वो बियर यहाँ से चला गया बोल के भोलू को उठाता है। तो ही आस्क हिज फ्रेंड भोलू, उसको क्या बोलता है, देखो अभी His friend Bholu mockingly, what did the bear tell you? तो बोलता है, बियर तो तेरे बहुत पास आया था और उसने तेरे कान में क्या बोल के चला गया रे, तुझे तो उसने खाया भी नहीं, लेकिन तेरे पास तो आया था, मैं ऊपर से देखा हूँ, लेकिन उसने तुझे क्या बोला। ऐसे क्या करता है, किससे पूछता है, रामू भोलू से पूछता है। तो देखो भोलू उसको क्या आंसर देता है, द सेकेंड फ्रेंड भोलू थॉट फॉर अ वाइल द बियर टोल्ड मी, अब देखो क्या बोल रहा है, तो बियर टोल्ड मी नेवर टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु एस्केप्स एंड लीव्स यू अलोन व्हेन यू नीड हिम द मोस्ट। तो बोलता है बियर, मुझे ये कहा कि तेरा कितना भी अच्छा दोस्त होने दे, लेकिन सच्ची दोस्ती तो हमें कब समझ में आती है, जब हम पर कोई मुसीबत आती है, और जो दोस्त खुद की जान की परवाह बिना किए हमारी जान की परवाह करते हैं, वो दोस्त क्या होता है,
सच्चा होता है, ना कि इस रामू जैसा। कि देखो उसने क्या किया, जब उसको भोलू को क्या थी, रामू की जरूरत थी, क्योंकि उसको ट्री के ऊपर चढ़ने को नहीं आ रहा था ना उसको ट्री के ऊपर चढ़ने के लिए, तो उसने इसके उससे हेल्प मांगी। लेकिन उसने हेल्प की के तब टाइम में उसको नहीं, वो क्या हुआ, खुद ही ट्री के ऊपर चला गया और उसको नीचे ही छोड़ गया। तो ही सेड रामू रियलाइज्ड हिज मिस्टेक एंड वाज अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर। और वो क्या हो गया, देखो तभी रामू को क्या हुआ, उसकी जो मिस्टेक थी वो उसको रियलाइज हो गई, उसको समझ में आई कि हाँ मैंने उसके साथ रॉन्ग किया, अगर मैं उसका हेल्प करता था तो अच्छा होता था, मैं भी एक अच्छा दोस्त साबित होता था, लेकिन मैंने वैसे नहीं किया, सिर्फ मैंने खुद की जान बचाने के लिए क्या किया हूँ, ट्री के ऊपर चढ़ गया, लेकिन जो मेरा दोस्त है, जो मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड था, मैंने उसको क्या किया, नीचे ही छोड़ दिया था। और वो क्या हो गया, खुद के जो उसने उसके साथ बिहेव किया था उसके ऊपर वो क्या हो गया, खुद ही शर्मिंदा हो गया। तो देखो इस स्टोरी का मोरल क्या है, मिसफॉर्च्यून इज द टेस्ट ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप। मीन्स जब कठिन समय हमारे ऊपर आता है, तब जो दोस्त हमारा हेल्प करता है वो क्या होता है, हमारा ही सबसे अच्छा वही दोस्त होता है, ना कि हमारे ऊपर मुसीबत आने के बाद वो हमें छोड़ के चला जाता है, वैसा कोई भी दोस्त नहीं होता है। देखो आपके भी जब फ्रेंडशिप में जब आपके ऊपर कभी कुछ अगर प्रॉब्लम आई और आपकी हेल्प ने उस समय आपकी हेल्प नहीं की, तो आपको लगता है कि वो आपका अच्छा फ्रेंड है, सच्चा फ्रेंड हो सकता है, नहीं लगता है ना। उसी तरह स्टोरी में भी यही दिखाया गया है कि रामू और भोलू तो बहुत अच्छे फ्रेंड थे, लेकिन जब भोलू को जरूरत थी तभी क्या किया है, तो रामू ने उसकी हेल्प नहीं करी थी, उसको वहां पे छोड़ के वो निकल गया था। तो देखो बच्चों आज हमने यही स्टोरी देखी है, द टू फ्रेंड्स एंड द बियर। तो आपको समझ में आई ये स्टोरी क्या है, तो हमें भी ऐसे नहीं करना चाहिए, हमारे फ्रेंड्स की हमें हमेशा हेल्प करनी चाहिए। तो ये हो गई स्टोरी, इसके ऊपर देखो कुछ एक्सरसाइज यहाँ पे जो दिया है वो हम देखेंगे। हाउ टू बी गुड अ गुड फ्रेंड, टू हैव गुड फ्रेंड्स यू मस्ट बी अ गुड फ्रेंड, हेयर आर सम ऑफ द वेज गुड फ्रेंड्स ट्रीट इच अदर। देखो इस यहाँ पे कुछ दिया है फ्रेंड्स के बारे में, तो देखेंगे। गुड फ्रेंड्स लिसन टू इच अदर, गुड फ्रेंड्स डोंट पुट इच अदर डाउन और हर्ट इच अदर फीलिंग, गुड फ्रेंड हेल्प इच अदर सॉल्व प्रॉब्लम्स। मीन्स जो अच्छे फ्रेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हेल्प हमारे प्रॉब्लम में जरूर करते हैं। इसी गुड फ्रेंड्स गिव इच अदर कॉम्प्लीमेंट, गुड फ्रेंड्स कैन डिस्करेज विदाउट हर्टिंग इच अदर, गुड फ्रेंड्स आर डिपेंडेबल, गुड फ्रेंड्स रिस्पेक्ट इच अदर, गुड फ्रेंड्स आर ट्रस्टवर्दी, गुड फ्रेंड्स गिव इच अदर रूम टू चेंज, एंड लास्ट है गुड फ्रेंड्स केयर अबाउट इच अदर। तो हमें अच्छा फ्रेंड होने के लिए क्या करनी है, जो यहाँ पे बताए हैं यही क्या है, ऐसे हम किसी के गुड फ्रेंड बन सकते हैं। अगर हमने इसको फॉलो नहीं किया तो हम अच्छे फ्रेंड बनेंगे क्या, नहीं बन सकते हैं। तो देखो आपका पेज नंबर 17 ओपन करना है, उसके ऊपर एक ए में क्या दिया है, नेम दिस पिक्चर्स। तो यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए है, उसको हमें क्या करना है, अभी नेम्स देने हैं। तो आपको भी पेज नंबर 17 ओपन करना है। तो ओपन करो और लिखो आप भी, फर्स्ट पिक्चर किसकी है, यहाँ पे ए, जो ए के आंसर में यहाँ पे आपको दे रही हूँ। कौन सी पिक्चर है ये, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, बियर, बियर मीन्स भालू। तो लिखो फर्स्ट के बॉक्स में आंसर लिखना है हमें बियर, बी ई ए आर बियर। और सेकंड पिक्चर क्या है, किसकी है सेकंड पिक्चर, ये क्या है पूरा, ये दो फ्रेंड्स कहाँ से जा रहे थे, फॉरेस्ट में से, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, जो मैंने आपको अभी वर्ड में दिया है ये वर्ड, यप ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट। एंड थर्ड वर्ड, थर्ड पिक्चर किसकी है, क्या है ये, थर्ड पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो एक ट्री है ना, ये ट्री मीन्स झाड़। तो लिखो थर्ड लिखना है टी आर डबल ई ट्री। तो ये हो गए
के नेम द पिक्चर्स के आंसर जो मैंने यहाँ पे आपको लिख करके दिए है, आपको भी आपके पेज नंबर 17 पे ये लिखना है। अब नेक्स्ट देखो बी क्या है, अभी बी है रीअरेंज द जम्बलिंग लेटर्स। जो यहाँ पे कुछ लेटर्स वर्ड्स है जो क्या किए है वो एक्सचेंज करके दिए, उनका प्लेस चेंज किया है, तो उसको हमें सही करके लिखना है। M E R I R L Y ये क्या होता है फिर इसका, मेरे लिए तो लिखना है M E R R I L Y होता है। बी में ये फर्स्ट का आंसर M E R R I L Y मेरे लिए। सेकेंड पिक्चर है, सेकेंड वर्ड है Yes, U Double D E N L Y। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होता है, उनके सामने कौन आता है अचानक, तो लिखना है Yes, U Double D E N L Y सडनली लिखो Yes, U Double D E N L Y सडनली। ये हो गया सेकेंड वर्ड। थर्ड लेटर है इसमें M H A H E A E D ऐसा वर्ड आया है, तो इसको करेक्शन करके क्या लिखना है हमें A S H A M E D शेम A S H लिखो A S H A M E D। ये हो गया थर्ड नंबर का वर्ड लेटर। फोर नंबर का लेटर क्या है देखो, अभी एस्केप से तो E S A C P E S ऐसे होता है क्या, नहीं, तो इसका करेक्ट कैसे होता है E S C A P E S E S C A P E S एस्केप्स में भाग के जाना, पर वहां से पलायन करना। और लास्ट है B H E A B I O U R तो इसका कौन सा वर्ड होता है बिहेवियर, तो लिखना है B E H A B I O U R बिहेवियर। ये हो गए हमारे फाइव लेटर्स, तो आपको भी इसी तरह करेक्शन करके इस वर्ड को सीधा करके लिखना है। तो फर्स्ट लिखा है M E R R I L Y सेकेंड S U D D E N L Y थर्ड A S H A M E D फोर्थ है E S C A P E S एंड फिफ्थ है B E H A V I O U R बिहेवियर। तो ये हो गए ए और बी के आंसर पेज नंबर 17 के, मैंने आपको यहाँ पे लिख करके दिए हैं, आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में ऐसे ही लिखना है। आप देखो सी, यहाँ पे सी क्या है, सी का रामू एंड बोलू वेयर गोइंग थ्रू द, कहाँ से जा रहे थे वो बातें करते हुए, रोड या फॉरेस्ट, कहाँ से जा रहे थे वो फॉरेस्ट में से जा रहे थे, तो वहां पे आपको फॉरेस्ट को क्या करना है सर्कल बनाना है, तो क्या है वर्ड F O R E S T फॉरेस्ट। सेकेंड है इसमें सडनली अपीयर, तो उनके सामने कौन आया, अ बियर या अ डियर, डियर मींस हरिन होता है और बियर मींस क्या होता है भालू होता है, तो उनके सामने कौन आता है बियर आता है, तो अ बियर के सामने आपको सर्कल बनाना है B E A R बियर, इसी तरह आपको उसको सर्कल बनाना है। अब नेक्स्ट थर्ड जो है वो क्या है, डैश क्विकली क्लाइम्ड अप द ट्री, ट्री के ऊपर कौन चढ़ गया था, बोलू या रामू, बोलू को तो चढ़ना नहीं आता था, ओनली रामू को आता था, तो उसको लिखना है हमें रामू को सर्कल बनाना है R A M U रामू। ये हो गए फोर्थ थर्ड। और फोर्थ नंबर का देखो बियर डू नॉट अटैक अलाइव या डेड, जो किसके ऊपर अटैक नहीं करता है भोलू, जो कि ऑलरेडी मर चुका होता है, क्या जो जिंदा है उनके ऊपर, जो मरा होता है, तो लिखना है फोर नंबर का
डेड DEAD, डेड मीन्स मरा हुआ। तो डेड को आपको सर्कल बनाना है। और फिफ्थ नंबर, नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हु स्कैप्स एंड लीव्स यू अलोन, जो कि हमें अकेला छोड़कर भाग नहीं जाता है, तो अलोन को सर्कल बनाना, ALONE, अलोन। तो ये हो गए फाइव जो कि हमें सर्कल बनाने थे। इसी तरह आपको भी आपके टेक्स्ट बुक में बनानी है। तो ABC ये तीनों के आंसर मैंने अभी आपको बोर्ड के ऊपर दिए हैं, आप भी आपके बुक में कंप्लीट करो इसे। अब नेक्स्ट देखेंगे हम डी जो है वो क्या है, राइट ट्रू और फॉल्स है। तो ट्रू और फॉल्स में फर्स्ट क्या है, बोलू क्विकली क्लाइम्ब अप द ट्री। और तो बोलू ट्री के ऊपर चढ़ गया था क्या बियर को सामने देखते ही? नहीं, तो कौन चढ़ गया था, रामू चढ़ गया था। तो हमें डी का आंसर, फर्स्ट का आंसर क्या लिखना है, ट्रू है या फॉल्स है? फिर ये फॉल्स है, वहां पे लिखो FALSE, फॉल्स। ये है फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, द बियर वॉज बिग एंड स्ट्रॉन्ग। बियर कैसे होते हैं, बड़े एंड स्ट्रॉन्ग होते हैं क्या? यस, तो इसका आंसर लिखना है ट्रू, TRUE, ट्रू। थर्ड है इसमें, नेवर ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड, जो कि झूठे दोस्त पर हमें कभी भरोसा नहीं करना है, ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। तो थर्ड का आंसर लिखना है ट्रू, TRUE, ट्रू। फोर्थ नंबर इसमें देखेंगे, रामू रियलाइज हिज मिस्टेक। तो रामू को लास्ट में क्या हुआ, जब बोलू ने उसको बोला कि बियर ने मेरे कान में आके कहा कि जो जो तुझे कठिन समय में साथ नहीं देता वो तेरा अच्छा फ्रेंड है क्या, ऐसे मुझे कौन बोल के गया, बियर बोल के गया। ऐसे भालू ने जब रामू से कहा तो उसको क्या हुआ, उसको खुद के ऊपर से भरोसा उड़ गया था। इसलिए हमें भी झूठे दोस्त पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना है फोर्थ का आंसर ट्रू। एंड लास्ट फिफ्थ नंबर है, बोलू ले स्टील ऑन द ग्राउंड एज डेड। बोलू ग्राउंड के ऊपर, उसका सांस रुक करके वो क्या हुआ था, सो गया था। तो लिखना है हमें फिफ्थ का आंसर ट्रू। तो हो गया ये डी, डी में जो दिया था ट्रू और फॉल्स। तो उसके हमने यहाँ पे क्या किए हैं, फाइव के मैंने यहाँ पे आपको आंसर दिए हैं। तो आपको भी देखो यहाँ पे क्वेश्चन के आगे यहाँ पे प्लेस दिया है आंसर लिखने के लिए। तो इसी में आपको लिखना है कि फर्स्ट का आंसर फॉल्स, सेकेंड ट्रू, थर्ड का ट्रू, फोर्थ का ट्रू एंड फिफ्थ का ट्रू। इसी तरह आपको ट्रू और फॉल्स कंप्लीट करना है। अब लास्ट हम देखेंगे ई में क्या है, आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए है, उसके हमें क्या करना है, आंसर लिखना है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, हु वेयर द टू फ्रेंड्स, कौन थे दो फ्रेंड्स, उनके नेम क्या थे, लिखना है उन्हें आपका आंसर। मैंने फर्स्ट नंबर डाल के उसके सामने एरो किया है और वहां पे आंसर दे रही हूँ। कौन कौन थे अच्छे फ्रेंड्स, रामू एंड भोलू, RAMU, रामू एंड भोलू, BHOLU, भोलू। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। सेकेंड, हु सडनली अपीयर्ड बिफोर द टू फ्रेंड, कौन आया था उनके सामने अचानक से। सेकेंड, कौन आया था उनके सामने, तो बियर, BEAR, बियर। मैं इसको, इस आंसर को बड़ा करके नहीं दे रही हूँ, ओनली वन वर्ड्स में दे रही हूँ, क्योंकि आपको इसे बाहर करने में इजी जाए। थर्ड लिखना है, व्हाट डिड रामू डू टू सेव हिमसेल्फ, तो रामू ने खुद की जान कैसे बचाई, तो क्या हुआ था वो, क्या फास्ट से क्विकली वो क्या होता है, एक ट्री के ऊपर चढ़ गया था। तो रामू क्विकली, वही लिखना है हमें आंसर। लिखो थर्ड नंबर और उसके सामने एरो डाल के आपको आंसर दे रही हूँ। तो लिखो रामू, RAMU, रामू, क्विकली, QUICKLY, QUICKLY, क्विकली क्लिम्ड, CLIMBED, वो क्या हुआ था, एक ट्री के ऊपर चढ़ गया था। अ ट्री, UP, अ ट्री, TREE,
ट्री। ये हो गया हमारा थर्ड का आंसर कि रामू ने खुद की जान कैसे बचाई, तो रामू क्विकली क्लिम अप अ ट्री, ट्री के ऊपर वो चढ़ गया। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखो क्या है अभी, हाउ डिड बोलू सेव हिमसेल्फ। यहाँ पहले देखा हमने रामू ने उसका खुद का सेव उसने कैसे किया, और अब देखना है भोलू का। तो भोलू ने क्या किया, जब बियर उसके सामने आया तो भोलू ले वेरी स्टिल ऑन द ग्राउंड एंड कंट्रोल हिज ब्रीथ। तो उसने क्या किया है, ग्राउंड पे वो सो गया, और सोने के बाद क्या किया, उसकी खुद की ब्रीथ जो है उसको उसने कंट्रोल किया, क्योंकि उसने सांस आपका खुद का बंद करके लिया। तो क्या होगा, बियर भोलू क्या करेगा कि जो मरे होते हैं उनको नहीं खाता है, तो हमें वही लिखना है बोलू बी एच ओ एल यू बोलू ले एल ए वाई ले वेरी स्टिल ऑन द बी ई आर वाई वेरी स्टील एस टी आई डबल एल स्टील ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे क्या हो गया वो सो गया, जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड एंड कंट्रोल हिज ब्रीथ। और उसने क्या किया, सोने के बाद कंट्रोल किया उसके सांस को, सी ओ एन टी आर ओ डबल एल ई डी कंट्रोल हिज एच आई एस हिज ब्रीथ बी आर ई ए टी एच ब्रीथ। तो ये हो गया फोर्थ नंबर का आंसर। व्हाट डिड, देखो फाइव नंबर, व्हाट डिड रामू आस्क भोलू। तो रामू ने भोलू से क्या पूछा, क्या पूछा जब वो ट्री के ऊपर से नीचे आ गया भोलू के पास, और भोलू को उठाया उसने कि बियर चला गया है अब तुम उठो। उसके बाद उसने उसको एक क्वेश्चन किया है कि तेरे कान में आके भोलू ने क्या बोला अभी, तो उसका सॉरी बियर ने क्या बोला, तो भोलू ने उसका आंसर क्या दिया वो लिखना है हमें, जो कि फाइव नंबर का आंसर है। तो लिखो फिफ्थ नंबर का आंसर लिखना है हमें, क्या पूछा तो लिखो इसका आंसर फिफ्थ नंबर। व्हाट डिड द बियर टेल यू, व्हाट डिड द बियर बी ई ए आर बियर टेल यू वाई ओ यू, ऐसे किसने पूछा है भोलू को, ऐसे क्वेश्चन किया था रामू ने, इस तरह से उसको क्वेश्चन किया था। और लास्ट जो सिक्स नंबर है वो देखो क्या है, व्हाट डिड भोलू आंसर टू रामूज क्वेश्चन। तो जब रामू ने उसको क्वेश्चन किया तो भोलू ने उसको क्या आंसर दिया वो लिखना है हमें सिक्स नंबर का। तो नेवर टू ट्रस्ट एन ई वी ई आर नेवर टू ट्रस्टी आर यू एस टी नेवर टू ट्रस्ट फ्रेंड हु एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड हु एस्केप्स ई एस सी ए पी ई एस ई एस सी ए पी ई एस एस्केप्स एंड लिव यू एंड ए एन डी एंड एल ई ए वी ई एस लिव यू अलोन बाय ओ यू यू अलोन ए एल ओ एन ई अलोन when you need when w h e n when you y o u need n w e d need, जब हमें जरूरत होती है तो अकेला छोड़ के जो फ्रेंड हमें छोड़कर चला जाता है वो कभी सच्चा दोस्त नहीं होता है, और उसके ऊपर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसे कौन कहा था, बियर ने भोलू के कहा, ऐसे उसने उसको आंसर दिया है need him the most the most m o s t most। तो ये है हमारा सिक्स नंबर का आंसर। फिफ्थ नंबर का क्या था क्वेश्चन हमारा,
तो देखो व्हाट डिड द रामू आस्क बोलू, तो क्या पूछा था, व्हाट डिड द बियर टेल यू, तो उसने क्या क्वेश्चन किया उसे, तो तुझे भोलू ने आके क्या बोला, और सिक्स नंबर का आंसर क्या दिया देखो भोलू ने उसको, तो नेवर टू ट्रस्ट अ फ्रेंड हु एस्केप्स एंड लीव्स यू अलोन व्हेन यू नीड हिम टू द मोस्ट, जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम्हें अकेले छोड़ के जो दोस्त चला जाता है उसके ऊपर हमें कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो ये हो गई हमारी द टू फ्रेंड एंड द बियर, थर्ड नंबर की जो इथिक्स की स्टोरी थी वो आज हमने यहाँ पे सीखी है, उसके ऊपर जो एक्सरसाइज थे क्वेश्चन आंसर थे मैंने आपको सभी आपको पूरा बोर्ड के ऊपर दिए हैं आंसर, तो आपके टेक्स्ट बुक में आपको पेज नंबर 17 एंड 18 पे आपको लिखना है। तो हमारी स्टोरी आज यहाँ पे खत्म होती है, फोर्थ नंबर की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले की, तो नाम क्या है उसका, द बास्केट एंड ऑफ मैंगोज, ये हम बाद में देखेंगे। तो चलो बच्चों आपको भी ये पूरा लिख करके मुझे सेंड करना है।